मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना की चपेट में आया डॉक्टर की मौत, शहर में प्राइवेट क्लिनिक। डॉक्टर शत्रुघ्न पंचवानी की मौत के साथ इंदौर में कोरोना से अब तक 22 लोगों की मौत, यहां कोरोना से 213 लोग हैं बीमार। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 540 नए मामले, अब तक 5734 लोग बीमार। देश में अब तक 166 लोगों की जा चुकी है जान, 473 लोग हुए स्वस्थ। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ऐलान, लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला। गुजरात में सामने आए 55 नए मामले, इनमें से 50 अहमदाबाद के। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के मुताबिक आज 27 मामलों में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 27 में से 19 लोग आगरा के अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में 5, सीतापुर में 1 और हरदोई में है 1 कोरोना का मरीज। चेन्नई में अब तक 156 लोग कोरोना की चपेट में, रोयापुरम इलाके में 43 मरीज। चेन्नई में शहर में आने वाले लोगों पर छिड़का जा रहा है सैनिटाइजर, लोगों ने पहल का किया स्वागत। पंजाब के जालंधर में कोरोना से पहली मौत, कांग्रेस नेता दीपक शर्मा के पिता की एक दिन पहले आई थी कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना के 5 मरीज पॉजिटिव, 1 स्थानीय और 4 कर्नाटक के जमाती। केरल के कोझिकोड में सामने आए 5 नए मरीज, शहर की सभी सड़कों को किया गया बंद। महाराष्ट्र के यवतमाल में आइसोलेशन में भर्ती 8 लोग कोरोना पॉजिटिव, 7 दूसरे राज्यों के। महाराष्ट्र के बुलढाणा में 4 और कोरोना के मरीज, जिले में अब तक कोरोना के 15 मामले। राजस्थान के भरतपुर में हंगामा, क्रिकेट खेल रहे लोगों को भगाने के लिए पहुंची पुलिस पर पथराव। हमले में थाना प्रभारी सहित कई पुलिस वाले जख्मी, 3 महिला सहित 10 गिरफ्तार। जयपुर में आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने बुलाई बैठक, आपदा राहत सामग्री से भरी गाड़ियों को दिखाई गई हरी झंडी। कार्यक्रम को लेकर उठे सवाल, मंत्री जी के साथ कई लोग थे इकट्ठा। यूपी के बागपत में कोरोना मरीज को छोड़कर लौटते वक्त ढाबे पर खाने पहुंचा ड्राइवर, पुलिस ने बुरी तरह पीटा। दिल्ली के निजामुद्दीन में भी जारी है सैनिटाइजेशन का काम, डीएम हरलीन कौर भी मौजूद। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 में भी सैनिटाइजेशन, शाहजहानाबाद सोसाइटी में साफ सफाई। दिल्ली में बंगाली मार्केट की तरफ जाने वाले पूरे इलाके को किया गया सैनिटाइज। दिल्ली के चिलमिल इलाके में प्रताप खंड को किया गया सील, इस इलाके में मिले थे कोरोना के मरीज। गाजियाबाद में पुलिस जिप्सी घूम रही है शहर शहर, घर के अंदर रहने की अपील, मास्क पहनने की हिदायत। बिहार के औरंगाबाद में डॉक्टर ने कार को बनाया अस्पताल, जांच के लिए सैंपल लेकर लैब में भेजने की सुविधा। लंदन से लौटे डॉक्टर जनमेजन के मुताबिक मोबाइल अस्पताल की तरह हो सकता है काम, मरीज की पूरी जानकारी लैपटॉप पर होती रहेगी रिकॉर्ड। दिल्ली में डीआरडीओ में काम करने वाले साजिद खान ने अपनी 2 लग्जरी कार को बनाया एम्बुलेंस, खुद लोगों को पहुंचा रहे अस्पताल। यूपी के भदोई में एक किसान की दरिद्री, पिता के निधन के बाद 13वीं की जगह 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोष में दिया दान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्क्रीनिंग करने पहुंची मेडिकल टीम, लोगों ने बरसाए फूल। कर्नाटक के बीजेपी सांसद सिद्धेश्वर की बेटी स्वस्थ होकर घर लौटी, 20 मार्च को गयाना से लौटने के बाद हुई थी कोरोना संक्रमण की पुष्टि। हैदराबाद में कोरोना संकट के बीच नॉर्थ ईस्ट के लोगों से नस्ले भेदभाव का चौंकाने वाला मामला, मणिपुर के 2 लड़कों को सुपर मार्केट में जाने से रोका। कोलकाता की राशन दुकानों में भीड़भाड़ से बचने के लिए टोकन सिस्टम शुरू, लोगों को मुफ्त दिए जा रहे मास्क। राजस्थान के करौली में एक और जमाती निकला कोरोना पॉजिटिव, 40 दिन पहले गया था जमात। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बना मास सैनिटाइजेशन टनल, यात्री होंगे सैनिटाइज। यूपी के सहारनपुर में कोरोना के 4 हॉटस्पॉट चिन्हित, सभी को किया गया सील। मेरठ में कोरोना के 11 हॉटस्पॉट सील, प्रशासन ने कहा नियम ना मानने पर होगी एफआईआर। आगरा में 22 इलाके पूरी तरह से सील, बैंक दुकानें सब बंद, 3 हॉस्पिटल भी बने हॉटस्पॉट। वाराणसी में गंगापुर मदनपुरा समेत 4 इलाके सील, घर घर पहुंचाया जाएगा जरूरी सामान। लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में कल रात लगी थी आग, मरीज सुरक्षित, आग पर पाया गया काबू।
14 अप्रैल से आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन, सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने बताई जरूरत। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में बताया सोशल इमरजेंसी, कहा हर हाल में हर किसी की जिंदगी बचाना सरकार की प्राथमिकता। 11 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री, लॉकडाउन को लेकर होगा आखिरी फैसला। देश में अब तक 1,27,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, आईसीएमआर ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना के 669 से ज्यादा केस, 9 की मौत, अकेले मरकज से 426 केस सामने आए। कोरोना के चलते मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, इंदौर, भोपाल और उज्जैन शहर आज से पूरी तरह सील। महाराष्ट्र में अनिवार्य किया गया मास्क पहनना, बिना मास्क के बाहर निकले तो होगी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में भी अनिवार्य किया गया मास्क पहनना, कर्नाटक समेत कई दूसरे राज्यों ने भी लिया फैसला। कोरोना की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को निर्देश, निजी लैब में भी हो मुफ्त टेस्ट की सुविधा। सुपौल में आतंकी के जनाजे में शामिल हुए लोगों पर केस दर्ज, लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने का आरोप। बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम उरानी भी कोरोना पॉजिटिव, दोनों बेटियां भी कोरोना की चपेट में। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने जारी किया वीडियो, जरूरी चीजों के सप्लाई में लगे लोगों को किया सलाह। दिल्ली में हौज खास में सफदरजंग अस्पताल की दो महिला डॉक्टर्स पर पड़ोसियों ने किया हमला, कोरोना फैलाने का आरोप लगाया, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के बंगाली मार्केट पर कोरोना का खतरा, आज से सीमित समय के लिए ही खुलेंगी दुकानें। मौत पर भी दिख रहा है लॉकडाउन का असर, यमुनानगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक महिला की आखिरी विदाई में शामिल हुए रिश्तेदार। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक संजीव ने तोड़े लॉकडाउन के नियम, मंदिर में 5 परिवारों के साथ किया यज्ञ। बाड़मेर में मरकज से जुड़े जमातियों को प्रशासन की चेतावनी, 10 अप्रैल से पहले सामने आकर दे ये जानकारी, नहीं तो दर्ज होगा मुकदमा। हरिद्वार में भी बड़े कोरोना के कदम, एक और युवक के पॉजिटिव होने से जिले में अब तक 3 मरीज। महाराष्ट्र के अकोला में चौंकाने वाला मामला, कोरोना पॉजिटिव मरीज के बंद घर में चोरी, चोर के संक्रमण की चपेट में आने की आशंका। कोरोना से जंग में तकनीक की मदद, रायपुर में ड्रोन से किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। देहरादून में भी कोरोना की हॉटस्पॉट बन चुकी है कॉलोनियां सील, शहर में सर्दी की दवा बेचने पर लगा प्रतिबंध। नासिक में मोबाइल मिल्क एटीएम की शुरुआत, घर घर जाकर लोगों को दिया जा रहा है दूध। बारामती में दो छोटी बच्चियां समेत एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली से फरीदाबाद में 13 इलाके सील, सभी की होगी स्क्रीनिंग, घर घर पहुंचाया जाएगा जरूरी सामान। जैसलमेर का पोखरण इलाका बना कोरोना का हॉटस्पॉट, एक दिन में 13 नए मामले आने से हड़कंप। भोपाल के पास रायसेन जिले में कोरोना का पहला मामला, जिले में लगाया गया कर्फ्यू। जिले में गर्भवती महिला को नहीं मिले एम्बुलेंस तो पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस जिप्सी में महिला ने दिया बच्ची को जन्म। मध्यप्रदेश के छतरपुर में रात के समय साइकिल पर निकले डीआईजी, लॉकडाउन में की पुलिस के काम की निगरानी। पंजाब के तरन तारण में किसान ने की खुदकुशी, कर्फ्यू लगने से ठप हुआ कामकाज, कर्ज की मजबूरी में दी जान। यूपी के हमीरपुर में अनोखा नजारा, गलियों से गुजर रही पुलिस पार्टी पर स्थानीय लोगों ने छतों से बरसाया फूल। असम में शिवसागर में शराब की दुकान में लूट, लाखों की शराब चोरी। गोवा में 303 ब्रिटिश नागरिक अपने वतन लौटे, स्पेशल फ्लाइट से भेजे गए विदेश। कोरोना से जंग में ओडिशा को राहत, दिल्ली से स्पेशल विमान से पीपीई किट भेजे गए। दुबई से हैदराबाद आई एमिरेट्स की फ्लाइट, दवाइयां और जरूरी सामान यूएई भेजे गए। तेलंगाना के खम्मम इलाके में चरवाहों ने बकरियों तक को पहनाया मास्क, न्यूयॉर्क में टाइगर को कोरोना होने के बाद बरती सावधानी। अलवर में शराब की दुकान लूटने आए 6 बदमाश गिरफ्तार, हथियार कार जब्त। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान संपन्न हुई शादी, मंदिर में सिर्फ दूल्हा दुल्हन रहे मौजूद। यूपी के फरुखाबाद में गांव के अंदर सख्ती से लॉकडाउन का पालन, बाहरी लोगों को गांव में घुसने की मनाही। गुरुग्राम का रायपुर गांव पूरी तरह से सील, मरकज से जुड़े 16 लोगों आए थे गांव, 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव। बिजनौर में जिला प्रशासन को किया गया सैनिटाइज, अस्पताल में लगातार बढ़ रही है कोरोना संदिग्धों की संख्या।
सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दिल्ली सटे गुरुग्राम में ऑड इवन फॉर्मूला सब्जी मंडी में होगा लागू। महाराष्ट्र में कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी अपील, सेना से रिटायर हुए डॉक्टर्स, नर्सेज और स्वास्थ्य कर्मियों से मांगी मदद। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर, लोगों को अंदर रहने की नसीहत। सामने आया तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद का पता ठिकाना, सूत्रों का दावा दिल्ली के जाकिर नगर में ले रखी है शरण। एम्स के काजी न्यूरो सेंटर से जुड़े 30 मेडिकल स्टाफ क्वारंटीन, 72 साल के मरीज के संपर्क में आने से कोरोना की आशंका। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में राशन न मिलने से उमड़ी भीड़, तोड़ा गया लॉकडाउन नियम। शबे बारात में दिल्ली पुलिस ने की घर से इबादत करने की अपील, अलग अलग इलाकों में लगाए पोस्टर। कानपुर में बदतमीजी करने वाले जमातियों को सीएचसी में किया गया शिफ्ट, 24 घंटे रहेगी निगरानी। दिल्ली सटे गाजियाबाद में 3 जमाती खुद पहुंचे पुलिस स्टेशन, पुलिस ने भेजा अस्पताल। बरेली में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले 42 लोग गिरफ्तार, प्रशासन ने कहा सब पर लगेगा एनएसए। चंदौली में आरपीएफ की कांस्टेबल रशीदा बानो की देशभक्ति गीत पर झूमे सहकर्मी और सफाईकर्मी, बरसाए गए फूल। पटना के आलमगंज इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस का एक्शन, जमकर भांजी लाठी। पटना में बैंक के बाहर पैसे निकालने के लिए लगी लंबी लाइन, लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। इंदौर में 213 पर पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या, एक दिन में 40 नए केस, अब तक 21 की मौत। इंदौर में नहीं थम रही पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा, चंदन नगर इलाके में पुलिस पर किया हमला। दुनियाभर में जारी है कोरोना का कोहराम, अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 14,00,000 से 30,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। कोरोना की वजह से बेकाबू हो रहे हैं अमेरिका के हालात, पिछले 24 घंटे में 2,000 लोगों की मौत, 12,000 के पास पहुंचा कुल आंकड़ा। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज, करीब 4,00,000 लोगों में जानलेवा वायरस का संक्रमण। अमेरिका में न्यूयॉर्क है कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, 5,500 मौत और 1,40,000 लोगों में बीमारी का संक्रमण। आईसीयू में कटी इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन की दूसरी रात, डॉक्टर्स का दावा स्थिर है हालात।